हेलो एवरीवन आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर अर्ली ह्यूमंस पार्ट वन हैव इवॉल्व ग्रेटली थ्रू द मिलियंस ऑफ ईयर्स दैट मार्क देयर एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ इन द अर्ली दे देवर हंटर हंटर गैदरर्स एंड नोमेंट्स ऑलवेज ऑन द मूव दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर इन सर्च ऑफ फूड वाटर एंड शेल्टर दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स एंड गैदर्ड फ्रूट्स रूट्स नट्स एंड सीड्स वेन द रिसोर्सिस और अर्थ पे एग्जिस्ट करने में जो अर्ली स्टेजेस थी उस टाइम पर जो ह्यूम होते थे वो हंटर होते थे गैदरस होते थे और नोमट्स होते थे मतलब वो जानवरों का शिकार करके खाते थे फ्रूट कलेक्ट करके खाते थे और एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते थे जैसे आजकल हम लोग एक जगह पर घर बनाकर रहते हैं, वो ऐसे नहीं रहते थे क्योंकि जब एक जगह के रिसोर्सेस खत्म हो जाते थे वहां एनिमल्स खत्म हो जाते थे या ट्रीज पे फ्रूट्स खत्म हो जाते थे तो फूड की सर्च में उनको दूसरी प्लेस पर जाना होता था तो इसलिए वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते थे अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड अ प्रिमिटिव लाइफ देव डिड नॉट वियर एनीथिंग ड्यूरिंग समर्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन दे यूज skins, the द बाग्स ऑफ ट्रीज एंड to टू कीप warm. वॉर्म were generally जनरली up इन ट्रीज और इन caves एंड रॉक शेल्टर्स अब जो अर्ली ह्यूमन्स थे वो प्रिमेटिव लाइफ जिया करते थे उस टाइम पर वो जब समर सीजन होता था तो उनको किसी भी तरह के कपड़े पहनने की जरूरत नहीं होती थी और जब विंटर सीजन होता था तो कोल्ड वेदर से अपने आप को बचाने के लिए वो या तो एनिमल स्किन से या जो ट्रीज़ की बाग्स होती है पेड़ों की जो छाल होती है उससे वो कपड़े बनाकर पहना करते थे और जो वो रात के समय केव्स में या ट्रीज़ पर या रॉक शेल्टर्स में वो नाइट स्पेंड किया करते थे द स्टोन एज द स्टोन एज कैन बी डिवाइडेड इन टू थ्री पीरियड्स ऑफ स्टडी बेस्ड ऑन द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ स्टोन टूल्स दर् दैट अर्ली ह्यूमन्स यूज और स्टोन एज को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है स्टडी करने के लिए uh, और ये जो डिवाइड किया गया ये किस बेसिस पे डिवाइड किया गया तो ये इस बेसिस पे डिवाइड किया गया कि उस टाइम का जो अर्ली ह्यूमन था जो स्टोन एज का अर्ली ह्यूमन था वो किस टाइप के टूल्स यूज किया करता था तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज है जो फर्स्ट एज है हमारी वो है पेलियोलिथिक या फिर इसको ओल्ड स्टोन एज भी बोला जाता है पेलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन तो पेलोलिथिक का मतलब होता है ओल्ड स्टोन दिस पीरियड लास्टेड फ्राम अर्ली टाइम टिल अबाउट टेन थाउजेंड बी सी ई दैट इजिल अबाउट ट्वेल्व थाउजेंड ईयर्स अगो इट इज फर्दर डिडेड इन टू अर्ली मिडल एंड लेट पेलियोलिथिक ह्यूम यूज क्रूड स्टोन टूल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड अब जो पेलियोलिथिक एज है या जो स्टोन हैज वो था आज से बारह हजार साल पहले मतलब लगभग स्टार्टिंग से टेन थाउजेंड बी से पहले का जो टाइम पीरियड था उसको हम ओल्ड स्टोन एज बोला करते हैं। और इसको फिर फर्दर डिवाइड किया गया था तीन पीरियड्स में अर्ली पेलोलिथिक एज मिडिल पेलोलिथिक एज और लेट पेल्योलिथिक एज और जो इस टाइम के जो ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे जो ओल्ड स्टोन एज के जो ह्यूमस हुआ करते थे वो क्रूड स्टोन टूल्स यूज करते थे Mesolithic or Middle Stone Age this period lasted from about 10000 BCE till about 8000 BCE stone tools of this period are called microliths they were smaller sharper and more efficient than the tools of the paleolithic period apart from stone animal bones and horns were also used to make tools older variety of crude stone tools however continued to be used during this period अब जो मिडिल स्टोन एज होता था वो वो था टेन थाउजेंड बी सी ई से लेकर एट थाउजेंड बी सी ई तक और इस इस टाइम के जो स्टोन टूल्स हुआ करते थे उनको माइक्रोलिथ्स भी बोला जाता है क्योंकि वो बहुत शार्प होते थे और छोटे होते थे और ज़्यादा एफिशिएंट होते थे एज कम्पेयर टू पेलियोलिथिक एज और स्टोन्स के अलावा इस टाइम का जो अर्ली ह्यूमन था दैट इज़ जो मिडिल स्टोन एज का जो अर्ली ह्यूमन था वो स्टोन के अलावा एनिमल बोन्स और हॉर्न्स को यूज़ करके भी टूल्स बनाया करता था और जो पहले वाली क्रूड वैरायटी है जो पेलेलिथिक uh, एज में जो क्रूड स्टोन टूल्स यूज़ होते थे वो टूल्स भी यूज़ होते थे इस पीरियड में Neolithic or New Stone Age. This period lasted from about 8000 BCE till about 4000 BCE. The New Stone Age tools were a further improvement in the earlier variety of tools. These tools were much sharper than the ones used in the Mesolithic period. They were also pol polished to sparkle. अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सेसिकाउंड फ्रॉम नियोलिथिक साइट इन इंडिया एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अब जो नियोलिथिक एज, एज है नियो का मतलब होता है न्यू तो जो न्यू स्टोन एज है वो थी लगभग एट थाउजेंड बी सीई से लेकर फोर थाउजेंड बीसी तक और इस टाइम के जो टूल्स होते थे वो और ज्यादा इम्प्रूव होते थे ज्यादा शार्प होते थे और ज्यादा एफिशियंट होते थे और इस टाइम के जो टूल्स होते थे उनके ऊपर पॉलिश भी की जाती थी वो स्पार्कल करते थे और इस टाइम पर जो टूल्स यूज होते थे वो एक्सेस सिकल्स पेयर्स एरोहेड्स जो हैं, वो यूज होते थे बहुत सारी न्योलिथिक साइट जो है इंडिया में वहां पर ये सब टूल्स पाए गए थे साइट एविडेंसेस ऑफ हंटर मेनी प्लेसेस जनरली दीज एविडेंसेस आर इन द फॉर्म ऑफ स्टोन टूल्स

तो जो भी एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं या ऐसी जगह है जहां पर इस तरह के एविडेंस डिस्कवर किए जाते हैं उन सब जगहों को साइट्स बोला जाता है और ये एविडेंसेस जो होते हैं वो स्टोन टूल्स होते हैं कुछ उसमें से फिनिश्ड स्टोन टूल्स होते हैं कुछ अनफिनिश्ड स्टोन टूल्स होते हैं अब जैसे आप अपनी बुक के पेज नंबर ट्वेल्व पे देखेंगे तो ये मैप बना हुआ है तो इस मैप में आपको साइट्स बताई गई हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी साइट्स हैं जैसे मिर्जापुर है उत्तर प्रदेश में भीम है मध्य प्रदेश में नवदतोली है महाराष्ट्र में आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में मस्की है कर्नाटका में तो इस तरह से बहुत सारी साइट्स हैं और इसी में आप देखेंगे कि नीचे आपको इंडेक्स दिया गया है कि कौन सी साइट जो है वो कौन सी एज को बिलोंग करती है दैट इज जैसे यहाँ आप देखेंगे कुरूल आंध्र प्रदेश में जो कुरूल है ये कौन सी साइट है ये हमें कैसे पता चलेगा तो कुरनूल के पास में एक रेड कलर का बॉक्स बना हुआ है स्क्वायर बना हुआ है तो ये रेड कलर का स्क्वायर अगर हम यहाँ पर इंडेक्स में देखें तो जहां पर रेड कलर का स्क्वायर है वो हमारी पेल्योलिथिक साइट है जहाँ पर ग्रीन कलर की लीफ है वो मेसोलिथिक साइट है जहाँ पर लाइट ग्रीन कलर का येलो और कलर का जो बॉक्स बना हुआ है वो नियोलिथिक साइट है और जहाँ पर पिंक कलर का सर्कल बना हुआ है वो हमारी चार्कोलिथिक साइट है तो इस इंडेक्स की हेल्प से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी साइट जो है वो कौन सी एज की है जैसे बोरी है महाराष्ट्र में ये रेड कलर का बॉक्स बना हुआ है तो ये कौन सी साइट हो जाएगी हम इंडेक्स में देखेंगे तो ये हमारी पेलोलिथिक साइट हो जाएगी आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में उसके ऊपर ग्रीन कलर की लीफ बनी हुई है तो ग्रीन कलर की लीफ है मतलब वो क्या है वो मैसोलिथिक साइट है अब इस मैप को अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये ब्लू कलर की जो लाइंस बनी हुई है ये ब्लू कलर की लाइंस क्या है ये ब्लू कलर की लाइंस जो हैं वो ये बता रही हैं कि यहाँ पर रिवर्स कौन कौन सी हैं जैसे यहाँ पर गोदावरी है यहाँ पर कृष्णा है यहाँ पर कावेरी है और अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो यू विल फाइंड कि जो ये हमारी साइट्स हैं जो हमारी आ, नियोलिथिक साइट्स हैं वो ज़्यादातर आपको मिलेंगी किसी न किसी नदी के पास तो नदी के पास होने का इनका क्या कारण है तो नदी के पास होने का कारण ये है कि वहाँ पर वो सेटल होना उनके लिए ईजी होता था क्योंकि नदी के आसपास जनरली ही हरियाली होती है तो उनको पेड़ पौधे मिलेंगे वहाँ पर उनको फ्रूड्स ईजीली मिलेंगे एनिमल्स ईजिली मिलेंगे और उनकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है जो डेली नीड्स हैं पानी से रिलेटेड वो भी वो पूरी कर सकते हैं कोई ना कोई अगर वाटर रिसोर्स पास में हो तो, तो इसीलिए ज्यादातर जो उस टाइम के अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे वो उस टाइम पर पानी के आसपास ही कहीं अपना सेटलमेंट रखते थे यानी कि वो पानी के आसपास ही सेटल हुआ करते थे ह्यूमंस मेक टूल्स अ लार्ज नंबर ऑफ टूल्स बिलोंगिंग टू स्टोन एज पीरियड्स है मोस्ट ऑफ दर ऑफ स्टोन सिंस स्टोन वॉज इजिली अवेलेबल अब उस टाइम पर जो टूल्स बनाया करते थे अगर हम स्टोन एज की बात करें तो ज्यादातर टूल जो है वो सारे स्टोन के बनाए गए तो स्टोन के क्यों बनाए गए क्योंकि स्टोन जो है वो इजिली अवेलेबल होता था इन द बिगनिंग ह्यूमन सर्च फॉर स्टोन विच कूड बी यूज एस टूल्स लेटर दे स्टार्टेड मेकिंग क्रूड स्टोन टूल्स फॉर स्पेसिफिक नीड्स फिलिंट अ टाइप ऑफ स्टोन वॉज वाइडली यूज टू मेक टूल्स एंड वेपन सिंस फ्लेंट चिप्स इजीली इट कुड बी मोल्डेड इन टू डिफरेंट शेप्स ईजीली अर्ली ह्यूमन शिप फ्लिंट एंड अदर स्टोन स्टिल दे एक्वायर्ड द डिजायर्ड शेप अब स्टार्टिंग में अर्ली ह्यूमन क्या करता था वो टूल्स को बनाता नहीं था वो ऐसे स्टोन्स को सर्च करता था जिसको एज अ टूल वो यूज कर पाए फिर धीरे धीरे उन्होंने टूल्स बनाना सीखा तो टूल्स कैसे बनाते थे एक स्टोन होता है फ्लेंट वो जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का एक अलग तरह का स्टोन होता है जिसको चिप ऑफ करना इजी होता है तो उससे टूल्स और वेपन्स बनाना बहुत इजी होता था क्योंकि उसको इजीली किसी भी शेप में आप कन्वर्ट कर सकते हो उसको चिप ऑफ करके किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते थे तो अर्ली ह्यूमन जो थे वो फ्लेंट को चिप करके और दूसरे आ, टूल्स बनाया करते थे और वो तब तक उसको चिप करते थे जब तक वो उनके डिजायर्ड शेप में नहीं आ जाता था बहुत बिग एंड स्मॉल स्टोन टू मेक टूल्स एंड वेपन्स द बिगर स्टोन्स वर वेप्ड इन टू एक्स हेड्स एक्सहेड वाइट टू अ स्टिक विच मेड इट अ मोर एफिशियंट टूल द स्मॉलर पीसेस ऑफ स्टोन वर शार्प एंड यूज एज नाइव एंड स्क्रैपर्स स्टिल स्मॉलर स्टोन्स वर गिवन अप पॉइंट एंड टाइट टू एरोज एंड स्पेयर दीज वर यूज टू हंट एनिमल्स अब बड़े छोटे हर तरह के स्टोन्स यूज होते थे टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए जो बड़े स्टोन्स होते थे उनसे बेसिकली एक्स हेड हैमर्स और चॉपर्स बनाए जाते थे और जो एक्स हेड होते थे उसको फिर एक स्टिक से बांध दिया जाता था एक लकड़ी से बांध दिया जाता था ताकि वो और ज्यादा एफिशियंट टूल बन जाए और जो छोटे टूल्स होते थे उनको शार्प करके नाइफ्स और स्क्रैपर्स की तरह यूज किया जाता था और जो और ज्यादा छोटे स्टोन्स होते थे उसको आ, किसी एरो स्पेयर से बांध दिया जाता था और उसको शार्प करके किसी एरो या स्पेयर से बांध दिया जाता था और उसको फिर एनिमल्स को हंट करने के लिए यूज किया जाता था टेक्निक्स ऑफ टूल मेकिंग अर्ली ह्यूमन्स यूज टू टेक्निक्स टू मेक स्टोन टूल्स

इसमें क्या होता था एक स्टोन को वो पकड़ते थे एक हाथ में और दूसरे स्टोन से उसके ऊपर स्ट्राइक करते थे और वो तब तक स्ट्राइक करते थे तब तक उसको हिट करते थे जब तक जो फर्स्ट स्टोन जो है वो अपने डिजायर्ड शेप में नहीं आ जाता था जैसा उनको टूल चाहिए जब तक वो वैसा नहीं बन जाता था तब तक वो उसको चिप ऑफ करते थे हिट कर कर के प्रेशर फ्लैकिंग इन दिस द स्टोन टू बी चिप वॉज प्लेस ऑन सर दार्पन फ्रॉम वन एंड ऑन द फर्स्ट स्टोन देन अनादर स्टोन वॉज स्ट्रक हार्ड ऑन द ब्लड सरफेस ऑफ द सेकेंड स्टोन दिस वॉज डन टिल द फर्स्ट स्टोन वॉज ऑफ द डिजायर शिप अब जो प्रेशर फ्लैकिंग जो है जो नेक्स्ट टेक्निक है उसमें क्या करते थे जिस स्टोन से उनको टूल बनाना है उसको पहले वो किसी फर्म सरफेस पे रखते थे फिर एक सेकेंड स्टोन लेते थे जिसका एक एंड जो है वो शार्प होता था और दूसरा एंड जो है वो ब्लंट होता था तो शार्प वाला जो एंड होता था वो स्टोन पे रखते थे और जो ब्लंट वाला हेड होता था जो ब्लंट वाला एंड होता था उसको वो दूसरी तरफ रखते थे और उस ब्लंट वाले एंड पे वो हिट करते थे थर्ड स्टोन से और ऐसा वो तब तक हिट करते थे जब तक कि जो फर्स्ट स्टोन है वो अपने डिजायर्ड शेप में नहीं आ जाता था ये जो प्रेशर फ्लैकिंग की जो मेथड है ये आपने देखी भी होगी आज भी यूज होती है हालांकि उसमें स्टोन्स नहीं यूज होते हैं लेकिन स्टोन से अगर कोई स्कल्पचर बनाना होता है तो आयरन के टूल्स की हेल्प से उसको तराशने के लिए जैसे यूज किया जाता है छेनी है जिसको बोलते हैं हिंदी में कि छेनी के ऊपर हथौड़ी हाँ से पीट पीट कर उसको शेप दिया जाता है इसी तरह से वो अपने टूल्स बनाया करते थे यूजेस द स्टोन टूल्स वर यूज टू कट ट्रीज स्क्रेप द बार्ग ऑफ ट्रीज डिग द ग्राउंड हंट एनिमल्स एंड स्किन देम स्टिच एनिमल स्किन क्लॉथ एंड टू चॉप मीट फ्रूट्स एंड फूड अब इस इन स्टोन टूल्स के यूजेस क्या क्या होते थे तो स्टोन टूल्स जो है वो ट्रीज़ को कट करने में यूजफुल होता था ट्रीज़ की बाग को स्क्रैप करना हो तो यूज़ होते थे उनको ज़मीन में गड्ढा खोदना हो एनिमल की हंटिंग करना हो दैट इज़ शिकार करना हो या उनकी स्किन अलग करनी हो या उनकी स्किन से कपड़ों की सिलाई करनी हो तो उसमें सब टूल्स यूज होते थे मीट को फ्रूट को वुड को चॉप करना हो तो उसके लिए भी टूल्स यूज़ होते थे